नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9 Lite 5G versus Infinix Hot 40 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 Lite में 6.44 इंच जबकि Hot 40 Pro में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9 Lite में 2.98 इंच जबकि Hot 40 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 Lite में 185 ग्राम जबकि Hot 40 Pro में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9 Lite से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9 Lite में LCD जबकि Hot 40 Pro में XLCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 Lite में 6.56 इंचेस जबकि Hot 40 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9 Lite में 720x1612px HD+ और Hot 40 Pro में 1080x2460px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 Lite में 84.01% जबकि Hot 40 Pro में 84.65% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 Lite में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 40 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Lite में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 40 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Lite में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 40 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 Lite में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Hot 40 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 Lite में MediaTek Dimensity 6300 और Hot 40 Pro में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Z9 Lite में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Hot 40 Pro में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z9 Lite में Android V14 जबकि Hot 40 Pro में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9 Lite में 2 कलर्स जबकि Hot 40 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 Lite में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें Hot 40 Pro की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो आईक्यू जेड 9 लाइट 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में हॉट 40 प्रो आगे है, मेन कैमरा में हॉट 40 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में जेड 9 लाइट आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Oppo K12 X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Note 40 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।